मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश भर में चुनावी गर्मी के बीच एक के बाद एक नेताओं के विवादित बयान रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसपे राजनीति और भी सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल तमिलनाडु के अरवाकुरुची विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कमल हसन ने कहा, आज़ाद भारत का पहला आतंकी एक हिंदू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे था। कमल हसन ने यह भी कहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां मुस्लिम है, मैं गांधी जी के प्रतिमा के सामने कह रहा हूं। कमल हसन ने कहा कि स्वतंत्र भारत में पहला आतंकवादी उसका नाम नाथूराम गोडसे था और वहीं से आतंकवाद की शुरुआत हुई है। सन 1948 में हुई महात्मा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए हसन ने कहा, उस हत्या का जवाब ढूंढने आया हूँ, मैं यहाँ उनकी हत्या के लिए न्याय मांगने आया हूं। साथ ही हसन ने कहा कि हर सच्चा भारतीय तिरंगे को पसंद करता है और वो यही चाहेगा कि यही राष्ट्रीय ध्वज रहे। फिलहाल कमल हसन के इस बयान के बाद अब कमल हसन के विरोधी भी चुप नहीं बैठे हैं। उनकी तरफ से भी कमल हसन के विवादित बयान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।